गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गॉस्टर कॉलेज रांची। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं और चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर्स, है ना। कंपनी में एक इशू ऑफ शेयर्स टॉपिक है, उसी का मैं बता रहा हूं। तो आप सभी स्टूडेंट्स लिखना स्टार्ट करें, जल्दी से जल्दी लिखना स्टार्ट करें, टॉपिक खोलिए और जल्दी जल्दी लिखिए, ठीक है। एग्ज़ाम आप लोग का बहुत नज़दीक है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, ठीक है। तो डेट लिखिए, आज का डेट क्या है। आज का डेट है 6 तारीख, है ना, 6 अप्रैल 2022, और सब्जेक्ट है अकाउंट्स, है ना। सब्जेक्ट है अकाउंट्स, ये क्लास 12 का है, इसने कि 11th वाले स्टूडेंट शूटिंग में रही है ना, ठीक है। और इशू ऑफ शेयर्स को ही मैं बता रहा हूँ, और इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसी इशू ऑफ शेयर्स का लेक्चर 2 है, लेक्चर 2 मैं लिख दे रहा हूँ, है ना। इशू ऑफ शेयर्स का लेक्चर 2 है ना। देखिए क्वेश्चन है कि हु आर दी ऑनर्स, यहाँ लिखिए। पहला क्वेश्चन है हु आर दी ऑनर्स, हु आर दी ऑनर्स ऑफ दी कंपनी, ऑफ दी कंपनी, कंपनी का कौन ऑनर, हु आर दी ऑनर्स ऑफ दी कंपनी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में है इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, बोथ ए एंड बी। इसका सही आंसर होगा इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो कंपनी का मालिक होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो कंपनी का मालिक होता है, ठीक है, लिख लिए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, नंबर 2, है ना। नंबर 2 है कि लिखा हुआ है 12% इन 12% प्रीफरेंस शेयर इज, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 12% प्रिफरेंस शेयर, इसका आंसर होगा रेट ऑफ डिविडेंड। इसका ऑप्शन था रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बोथ ए एंड बी, इसका आंसर होगा रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। 12% ये 1 है, 12% इन 12% प्रेफरेंस शेयर इज क्या है, इसका ऑप्शन क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था, रेट ऑफ डिविडेंड था, है ना, नन ऑफ दीज था। तो इसका आंसर होगा रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 3 नंबर, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन ए कंपनी इज, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन ए कंपनी इज, चार्ट ऑप्शन, क्या ऑप्शन होगा, तो एक लिमिटेड है, बी अनलिमिटेड है, और स्टेबल है, और फ्लक्चुएटिंग है। इसका आंसर होगा लिमिटेड होगा, क्या होगा, लिमिटेड, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंपनी इज क्रिएटेड, इसका आंसर क्या होगा, कंपनी इज क्रिएटेड, इसका चार ऑप्शन में है कि बाय स्पेशल एस्टिट्यूट ऑफ पार्लियामेंट, दूसरा बाय कंपनीज एक्ट, बाय एग्रीमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स, बाय मेंबर्स।
इसका आंसर जैसे कि ऑप्शन दिया है, कंपनी इज क्रिएटेड, एक कंपनी का निर्माण होता है। अब चार ऑप्शन था, बाय स्पेशल एस्टिट्यूट ऑफ पार्लियामेंट, दूसरा बाय कंपनीज एक्ट, तीसरा बाय एग्रीमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स, बाय मेंबर्स। तो इसका आंसर इस ऑप्शन के अनुसार बाय कंपनीज एक्ट हो जाएगा, बाय कंपनीज एक्ट हो जाएगा, है ना, बाय कंपनीज एक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फाइव नंबर, शेयर्स आर इशूड, शेयर्स आर इशूड। अब चार ऑप्शन है, शेयर्स आर इशूड, इसका चार ऑप्शन है, उस ऑप्शन को सुनिए। पहला ऑप्शन है फॉर कैश ओनली, दूसरा ऑप्शन है फॉर क्रेडिट ओनली, तीसरा में फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और चौथा में है फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इसका आंसर होगा फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है, फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, सिक्स नंबर, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ तक लिख दिए, अब सिक्स नंबर लिखिए। सिक्स नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, सिक्स नंबर में है कि ए कंपनी हैज डैश। अब इसका चार ऑप्शन है, ऑप्शन सुनिएगा, जो ऑप्शन सही है उसको बताइए। ए कंपनी हैज डैश, पहला ए ऑप्शन में है परपिचुअल एक्सिस्टेंस, दूसरा में सेपरेट लीगल एंटिटी, तीसरा में लिमिटेड लाइबिलिटीज, चौथा में ऑल ऑफ दिस। इसका सब हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। तो आप लिख दीजिए आंसर परपिचुअल, है ना, परपिचुअल एक्सिस्टेंस लिख दीजिए, ठीक है, और लिखिए फिर सेपरेट लीगल एंटिटी, सबसे उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखिएगा, सेवन नंबर, ये एक ज्वाइंट स्टॉक है ना, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज, है ना, ए ऑब्लिक एन डैश। इसका आंसर बताना है आपको, क्या होगा इसका, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज ऑब्लिक एन। तो पहला है नेचुरल पर्सन ऑप्शन, दूसरा में पार्टनरशिप फर्म, तीसरा में आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, चौथा में नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इसका सही आंसर होगा, है ना। इसका सही आंसर क्या होगा, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आठ नंबर में लिखिए द नॉमिनल कैपिटल इज नोन एज द नॉमिनल कैपिटल इज नोन एज डैश। चार ऑप्शन है कि द नॉमिनल कैपिटल इज नोन एज डैश ऑथराइज्ड कैपिटल, पहला ऑप्शन में है, बी में रजिस्टर्ड कैपिटल, सी में बोथ ए एंड बी, है ना, और डी में नन ऑफ दीज। तो नॉमिनल कैपिटल को ऑथराइज्ड कैपिटल भी कहते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल, है ना, ऑब्लिक कर दीजिए रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑप्शन में यही दिया हुआ था, दोनों होगा ऑप्शन, अगर ऑप्शन रजिस्टर्ड कैपिटल दोनों ही कहते हैं, यानी कि नॉमिनल कैपिटल
या ऑथराइज कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल एक ही है, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट है 9 नंबर आइए। बोनस शेयर्स आर इशूड, बोनस शेयर्स आर इशूड, बोनस शेयर्स आर इशूड टू, इसको इशू करते हैं, ठीक है। एक इक्विटी शेयर होल्डर को इशू करते हैं, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को इशू करते हैं, डिबेंचर होल्डर्स को करते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, इसका आंसर होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स है ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स को कहते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, ठीक है 10 नंबर में, ए कंपनी कैन नॉट, कंपनी कैन नॉट इशू इट्स शेयर्स है ना। अब इसका आंसर क्या होगा, कंपनी कैन नॉट इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, इसका आंसर क्या होगा एट डिस्काउंट। इस तरह से मैं 10 क्वेश्चन का छोटा सा वीडियो बना के डाल रहा हूँ, आप सभी स्टूडेंट्स इसको स्टडी कीजिए, अब फिर इसके बाद थोड़ा 10 क्वेश्चन कर देंगे आपको वीडियो बना के, ठीक है। थैंक यू।